हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस मंच में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज जीएस पेपर नंबर 1 जो है उसका हम यहाँ पर करेंगे पॉइंट नंबर 10। यहाँ ये गलती से पॉइंट नंबर 2 लिखा गया है, ये गलत है। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पेपर नंबर 1 का पॉइंट नंबर 10 जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो आज हम इसका पार्ट लेकर आए हैं कि विश्व में प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण जो है उसमें जल का वितरण कैसे कैसे कहाँ कहाँ किया गया है। तो इस टॉपिक में क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उसके बारे में हम आज इस लेसन में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपकी दो पार्ट्स में आएगी क्योंकि जल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ हमने इतने पार्ट्स में डिवाइड किया है कि जल संसाधन क्या होते हैं, जल के स्रोत कौन कौन से हैं, उसकी उपयोगिता क्या है, जल संसाधन की समस्या क्या क्या है, नदी घाटी परियोजना कौन कौन सी है, वर्षा जल संग्रहण क्या होता है, राष्ट्रीय जल नीति, इंडिया और इंटरनेशनल दोनों पे हम चर्चा करेंगे, जल संभर योजना, जल संरक्षण के उपाय। इसके अलावा करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उसको भी कोशिश करूंगी कि मैं यहाँ पर ये ज्वाइन करके आप लोगों को बता सकूं। और आप लोग भी जब भी इसकी नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो करंट्स में जो भी चीज़ें जल से संबंधित चल रही हैं, जो भी नीतियाँ आ रही हैं, उसको आप ज़रूर इसमें एलैबोरेट करेंगे, अपने नोट्स में एड ऑन ज़रूर करेंगे साथ के साथ। तो हम यहाँ पर ये डिस्कस पूरा हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं जल संसाधन की। तो आपको यहाँ दो वर्ड दिखाई दे रहा है, जल और ये संसाधन। तो जल का मतलब तो आप लोगों को पता है कि पानी होता है, नीर होता है, जल होता है, ये होता है जल जो हमारे एक कहेंगे हम सतह पर भी पाया जाता है, वायुमंडल में पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है, अलग अलग जगह पर पाया जाता है। बट उसको हम लोग प्रत्येक जल को यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब जो महासागरों का जल है उसे हम अपने यूज में नहीं ला सकते हैं। तो संसाधन का यहाँ मतलब होगा कि जिसको हम अपने यूटिलाइज में, यूज में कर ले आ सके। तो यहाँ पर जल को संसाधन के रूप में हम कैसे यूज करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, और हमारी पृथ्वी पर कितना जल किस मात्रा में उपलब्ध है इसके बारे में इस यहाँ पर पूरा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जल संसाधन पानी के वे स्रोत हैं जो मानव के लिए उपयोगी हों या जिसके उपयोग की संभावना, मतलब कि जैसे कि महासागरों में इतना सारा जल है, आपको भी पता है कि 2/3 जो है पृथ्वी महासागरों से ही घिरी हुई है, इतना जल है लेकिन फिर भी वो हमारे यूज में नहीं आ सकता, वो यूजलेस है, इसीलिए उसको हम संसाधन के रूप में नहीं गिन सकते। इन फ्यूचर अगर हम कोई ऐसी टेक्निक निकाल सके, वैसे तो अब तो परियोजनाएं भी ऐसी बन रही है कि हम सागर के जल से विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, काफ़ी सारा यूज़ हो रहा है, बट फिर भी अभी उस हद तक यूज़ नहीं हो सकता जितना भूजल और सतही जल इनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जल संसाधन ऐसे स्रोत पानी के कहे जाएंगे जहाँ पर वो मानव के लिए उपयोगी हो और इन फ्यूचर वो हम उसे उपयोग भी कर सकते हों। पृथ्वी पर जो पानी की कुल उपलब्ध मात्रा अथवा भंडारण है उसे जलमंडल कहते हैं। ये तो आप बचपन से एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ के आ चुके हैं, ये मेन पॉइंट है, पढ़ा तो आपने इसे भी होगा, बट ये जो आपको डाटा है ये आपको लिखने में काफ़ी मदद करेगा आपके आंसर राइटिंग में। तो पृथ्वी की इस जलमंडल का जो 97.5% भाग है समुद्र में खारे जल के रूप में है, और 2.5% है वही मीठा जल है। मतलब कि इसमें भी जो मीठा जल है, जो 2.5 है, इसमें भी 2/3 हिस्सा हिमनद है और ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम चादरों और हिम टोपियों के रूप में जमा है। शेष पिघला हुआ जो जल है वो मीठे पानी के रूप में मुख्यतः पाया जाता है। तो आपको इस रेशो से समझ में आ गया होगा कि कितना कम हिस्सा हम लोगों को पीने के लिए यूज़ में लाया जाता है। और ये जल संसाधन को हम अक्षय प्राकृतिक संसाधन भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन फ्यूचर काफ़ी ऐसी टेक्निक आने वाली हैं, आ जाएंगी, जिससे हम जितना भी उपलब्ध जल है फिर पृथ्वी पर उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब भी सतही जल में कई जगह खारा पानी आता है, तो उसको पहले जो था वो बहुत अच्छा मीठा पानी, नॉर्मल जो वाटर आता है वही आता था, उसको भी हम नलकूपों के माध्यम से, कुओं के माध्यम से वही पानी पीते थे। बट आजकल जो देखा जाए तो सतही जल में भी खारा पानी आ रहा है और लोग नलकूपों से उसे निकाल भी रहे, बट वो डायरेक्टली पीने के यूज़ में नहीं आता है। तो उसे ऐसी टेक्निक आ गई है, फिल्टराइजेशन आ चुका है, आरओ लग चुके हैं, जिसके थ्रू हम लोग
उसको अच्छे शुद्ध जल में कन्वर्ट करके उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इसे हम अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं जल के स्रोतों की। तो जल के स्रोतों को हमने यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है जो आप पृथ्वी के ऊपर देखते हैं, पृथ्वी के ऊपर ऊपर जो आपको दिखाई देता है, जैसे स्नोफॉल हो गया, वाटर स्टोरेज इन आइस एंड स्नो हो गया, सरफेस रन ऑफ हो गया, वाटर मैनेजमेंट जो हम लोग करते हैं, स्ट्रीम का फ्लो हो गया, और रिवर डिस्चार्ज होता है, ओशन होता है, और जो हम इवोपरेशन होता है, जैसे वाष्पीकरण होता है, इन सब चीज़ों को हम कहते हैं सतही जल। और एक होता है भूजल। भूजल का दो पार्ट्स के, भूजल का मतलब होता है जो भूजल, भू मतलब पानी के अंदर पाया जाने वाला जल। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करें। सतही जल में हमारा बहुत सारे ऐसे वो है, हमारे पास जैसे सिंधु रिवर जो वाटर है, गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, पूर्वी तट की जो नदियां हैं, पश्चिमी तट की जो नदियां हैं, और अंतर्प्रवाह बेसिन। अंतर्प्रवाह मतलब जो पूरे इंडिया के अंदर छोटी छोटी नदियां आपस में जुड़ के जो बहुत सारा प्रवाह बनाती हैं, तो ये सारा सतही जल के अंतर्गत। ये तो नॉर्मल पॉइंट जो मैंने नदियों के बारे में बताया है। इसके अलावा जो यहाँ पर लिखा हुआ स्नोफॉल भी सतही जल में आएगा, आइस और स्नो आएगा, यहाँ पर जो इवेपोरेशन होता है वो भी आएगा, ओशन भी आएगा यहाँ पर सतही जल में। तो ये सारा जल स्ट्रीम फ्लो भी इसी के अंदर आएगा। तो ये सारा सतही जल का ये जो पार्ट्स हैं ये आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर भूजल के बारे में। तो भूजल जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनफिल्ट्रेशन होता है, वाटर स्टोर्ड अंडरग्राउंड क्रैक्स एंड पोर्स। जो क्रैक्स एंड पोर्स में जब बारिश का पानी होता है वो अंदर चला जाता है, तो उससे होता है यहाँ पर होता है कि यहाँ पर जो प्लांट होता है, प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो पानी को सोख के रखती हैं, कस के रखती हैं, तो वहाँ पर भी अंदर पानी चला जाता है वाटर के, तो वो भी भूजल के अंदर आता है। तो इसको मैं अगर डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो ये होगा उत्तरी मैदान में। उत्तरी मैदान में सबसे ज़्यादा भूजल पाया जाता है, क्योंकि वहाँ कोमल मिट्टी होती है, प्रवेश चट्टानें। प्रवेश चट्टानों का मतलब कि पानी के अंदर जो सॉरी मिट्टी के अंदर पानी जो बहुत आसानी से जला जा सकता है, क्योंकि मिट्टी कोमल होती है, चट्टाने जो होती है कोमल होती है, तो अंदर पानी रिस के बहुत अच्छे से चला जाता है। तो 42% जल उत्तरी के मैदानों में मिलता है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ पर कठोर अप्रवेश चट्टाने पाई जाती हैं, जैसे कि वहाँ पर आपको पता है बेसाल्ट मिट्टी पाई जाती है, बेसाल्ट के पठार होते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंदर पानी, बारिश भी होता है तो वो ऊपर ऊपर से निकल के नदी नालों में बह जाता है, महासागरों में अंदर नहीं जा पाता, तो वहाँ कम जल मिलता है। और तटीय मैदानों में पर्याप्त जल पाया जाता है, क्योंकि वहाँ बालू पाई जाती है और बालू जल को अपने अंदर सोख लेता है, तो वो अंदर भूजल उसके अंदर पाया जाता है। तो यहाँ आप ये सब लिख सकते हैं कि भूजल कौन कैसे कैसे, जैसे आप मिट्टी के अंदर भूजल पाया जाता है, पेड़ जो होते हैं अपने जड़ों से भूजल को कनेक्ट करके रखते हैं, और इसी तरह अंडरग्राउंड वाटर पाया जाता है। और उत्तरी मैदानों में, प्रायद्वीपीय पठारों में, तटीय मैदानों में कहाँ कहाँ जल पाया जाता है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम जल की उपयोगिता। तो जल की उपयोगिता बताने के लिए आप नॉर्मली आप जानते हैं, ये तो नॉर्मल बच्चे बच्चे को पता है कि जल की उपयोगिता क्या होती है। हम उसको अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, पशुओं के लिए यूज़ करते हैं, सिंचाई में यूज़ करते हैं, ये सब यहाँ पर आपको लिखना है। बट इतने ज़्यादा पॉइंट्स लिख सकते हैं, और वर्ड आपके जितने अच्छे होंगे, एज अ IS PCS लेवल के वर्ड होंगे तो आपको अच्छी मार्किंग मिलेगी, बच्चों के लेवल के वर्ड आपको नहीं लिखने हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट, मनुष्य के लिए पेयजल के रूप में उपयुक्त होता है, पशुधन के लिए पेयजल के रूप में उपयुक्त होता है, और पशुधन के लिए और भी चीज़ों के लिए उपयुक्त हो सकता है। अन्य घरेलू वाणिज्यिक स्थानीय निकाय के लिए उपयोगार्थ होता है, मतलब कि जो भी फैक्ट्रियाँ होती हैं और घर के काम काज होते हैं उसमें यूज़ होता है। कृषि के लिए यूज़ होता है, एज ए सिंचाई कृषि के लिए यूज़ होता है। ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, जैसे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है तो वो जल के थ्रू उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण और पारिस्थितिकी में उपयोग, मतलब कि पेड़ों को उगाना है, बहुत सारी वन लगाने हैं, परिस्थिति का बचाना है, तो इसके लिए यहाँ पर जल की उपयोग होता है। उद्योगों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जल का। अन्य उपयोग भी होते हैं, जैसे कि सांस्कृतिक और पर्यटन संबंधी उपयोग, मतलब कि आपको पता है जगह जगह मॉन्यूमेंट बने हुए हैं, तो वहाँ पर भी जब मॉन्यूमेंट का काम होता है तो वहाँ जल की यूज़ होता है। फिर जो पर्यटक आते हैं उनके लिए जगह जगह
कूपों की व्यवस्था की जाती है, पानी पीने के लिए टोटियों की व्यवस्था की जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आप इसे ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली बात है, सर्वाधिक जो जल का उपयोग होता है वो सिंचाई में होता है 70%, उसके बाद उद्योगों में होता है 23% और घरेलू तथा अन्य में केवल 7% ही उपयोग किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो जल की उपयोगिता है वो सिंचाई में होती है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नदी घाटी परियोजना की। तो नदी घाटी परियोजना के बारे में हम जब बात करेंगे, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देश्यीय जो नदी घाटी परियोजनाएं थी उन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो ये कोट आप जरूर डालेंगे जब भी नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में बात की जाएगी। चलिए इसमें है सिंचाई का प्रबंध किया जाता है। नदी घाटी परियोजना से क्या क्या लाभ होते हैं तो इसके बारे में हम बात कर लेंगे। एक मिनट, मेरे चार्ज इसका बहुत ही कम है, आप 2 मिनट में इसका चार्ज प्लग ऑन। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं उनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले उनका यूज़ जो किया जाता है वो सिंचाई के प्रबंध में किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है सिंचाई के लिए होता है, फिर विद्युत उत्पादन के लिए भी होता है, बाढ़ का नियंत्रण के लिए भी उनका यूज़ किया जाता है। क्योंकि इससे क्या होता है, वो जगह जगह डैम बनाए जाते हैं, डैम से वो पानी का जो प्रवाह है वो रुक जाता है और उससे फिर बाढ़ का नियंत्रण कई जगहों में जो नीची जगह होती है वहाँ बाढ़ नहीं आती है। नेक्स्ट होता है कि पर्यावरण की रक्षा में भी नदी घाटी परियोजनाओं का यूज़ किया जाता है। वैसे तो काफ़ी हद तक नदी घाटी जब परियोजनाएं बनाई जाती हैं पर्यावरण का हास भी होता है। जैसे कि नर्मदा नदी पर बनाई गई थी, जब ओमकारेश्वर बांध बनाया गया था तो काफ़ी मेधा पाटेकर जो ने अभियान चलाया था उसमें काफ़ी लोगों का विस्थापन हुआ था वहाँ से, और पर्यावरण के लिए भी काफ़ी वो खतरा उत्पन्न हो गया था। आगे यहाँ पर अंतस्थलीय नौ परिवहन का यहाँ पर विकास होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो नदी घाटी जो परियोजनाएं चलाई जाती है वहाँ पर अंदर ही अंदर जो नौका परियोजना है उसका भी बहुत हद तक विकास होता है, भू संरक्षण होता है और मछली पालन का में भी विकास होता है। जहाँ पर डैम बनाए जाते हैं वहाँ एक ऐसा एरिया बन जाता है जहाँ से बहुत ज़्यादा फिशिंग की जा सकती है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट लेकर आई हूँ कुछ परियोजनाओं का। ये परियोजनाएं हैं, ये नदियां हैं और यहाँ पर उनसे संबंधित राज्य हैं। तो ये आपका प्री के ये मेंस जो मैं करा रही हूँ उसमें आप एग्जांपल के रूप में इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हीराकुंड बांध महानदी पे बनाया गया जो कि उड़ीसा राज्य को बिजली प्रोवाइड करता है, विद्युत उत्पादन में सहायता करता है, सिंचाई परियोजनाओं में सहायता करता है, पर्यावरण के लिए रक्षा में सहायता करता है और मछली पालन के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर लिख सकते हो। प्लस ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है प्री में कई चीज़ें जैसे पूछ लिया जाएगा बाण सागर परियोजना कौन सी नदी पे है, सोन नदी पे आप लोग लिखेंगे, और फिर ये पूछा जाएगा कि बाण सागर परियोजना से किन किन राज्यों को लाभ मिल रहा है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों को मिल रहा है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसा भी आपको समझ में आए करके आप इसको लर्न कर लेना। और मेंस में आपसे अलग से ये भी पूछा जा सकता है अगर किसी पीसीएस पर्टिकुलर राज्य का हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश का हुआ, तो उत्तर प्रदेश राज्य की कोई भी परियोजना लेकर, जैसे कि माता टीला परियोजना लेकर पूछेंगे कि माता टीला परियोजना बांध पर टिप्पणी लिखी है, तो उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। आप उसके लाभ लिख दीजिएगा, कौन सी नदी पर बना हुआ है, कौन से दो राज्यों के बीच वो साझा करता है अपनी पूरी भी जो भी उसके परियोजना है उसके लाभ को, और क्या क्या उसके लाभ हैं, कब बनाया गया था, तो इस हिसाब से ये भी पूछा जा सकता है पर्टिकुलर राज्य के बारे में अगर ये आए तो। तो यहाँ पर हम यहाँ पर ये एंड करते हैं इसका। आज के लिए बस इतना ही हम लोग करेंगे। नेक्स्ट जो 3-4 टॉपिक और रह गए हैं, भू संरक्षण नीतियाँ और क्या उपाय कर सकते हैं, ये तो वैसे बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं, बट इसको थोड़ा सा इंटरनेशनली लेवल पे जोड़ के हम लोग को यहाँ काम करने की ज़रूरत है। तो ये तो अभी इनिशियल लेवल पे हमने टॉपिक को कवर किया है, एक लेक्चर और आएगा जिसमें आपको जल के बारे में पूरी यहाँ पे डिटेल में जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक
लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसे ही और भी लेक्चर MPPCS के, UPPCS के और भी एग्ज़ाम से रिलेटेड लेक्चर लाती रहूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।